यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था, सारे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे, इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं, कहाँ कहाँ से आए, ट्रैवल करके दो दिन से जर्नी कर रहे हैं। डीएम के पास भेजी में, यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज को, कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये देखिए वायरल कर दीजिए इसको, ये देखिए फेसबुक क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग कि इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। बंदे दो दिन से ट्रैवल करके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मैं पंजाब से आ रहा हूँ, मैं पंजाब से दो दिन ट्रैवल करके आ रहा हूँ पेपर देने के लिए, बिना टिकट मिले, वेटिंग टिकट पे आया पंजाब से। ये है वो क्या प्रेस से है, प्रेस से है क्या। ये देखिए सर कुछ बताएंगे सर, हमारा चार बस सेंटर रहता है, चार सुपर जोनल में। देखिए कुछ यहाँ पे बात सामने आई है कि परीक्षा में कोई समस्या हुई है, सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें, सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे, अंतिम जो निर्णय होगा आयोग की तरफ से लिया जाएगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स उनको बता दिया जाएगा। सर यहाँ सूचना क्या थी, क्या लापरवाही का लोग आ रहे हैं। देखिए अभी ये इस तरह से कुछ भी कहना अभी सही नहीं है क्योंकि अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, भीड़ में बात करने में बहुत तरीके की बातें आती हैं पूरे, इसीलिए हम लोगों ने ये बोला है कि आपको जो भी कैंडिडेट्स उनको जो कहना है वो अपना रिटर्न में प्रतिवेदन यहाँ एसडीओ हैं उनको दे देंगे, पूरे मामले की जांच होगी, जांच के अनुसार जो भी आयोग निर्णय लेगा वही फाइनल होगा। हर एग्जाम में हर जगह ये होता है कि एक रूम अलॉट होता है जिसमें मोबाइल रखे जाते हैं, बैग सबमिट होते हैं, पर यहाँ पे बैग पूरा बच्चे ऊपर तक ले जा रहे हैं क्लास के बाहर तक। फिर ये हुआ कि आधे घंटे एग्जाम लेट हो गया, अब बच्चों को लग रहा है कि नीचे शायद पेपर लीक हो गया, अब सब लोगों ने अपना अपना फोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बट चुके थे, सब हो रहा था नीचे, दरवाजे बंद थे क्लास के, गूगल से सर्च किया जा रहा था, गूगल पे सर्च किया जा रहा था, नीचे से ऊपर पता नहीं लोग क्या 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 कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, यही सब चल रहा था, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। सर यहाँ दो रूम्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, बाकी किसी रूम में एग्जाम का कंडक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से बच्चों ने इसका विरोध किया और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से उनसे बदतमीजी की गई। रूम्स में फोन सर उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई टीचर कोई मैनेजमेंट कुछ देखने वाला था। कब से शुरू हुआ सर एग्जाम, 12:30 बजे 12:30 बजे तक सर लोगों को पेपर अवेलेबल नहीं कराया गया, सिर्फ दो रूम्स में अंदर दरवाजा बंद करके एग्जाम कराया जा रहा था। नो सर 12 बजे से सिर्फ दो रूम में कराया जा रहा था, बाकी किसी रूम में कराया ही नहीं जा रहा था। कितने मिनट तक लेट हुआ, आधे घंटे लेट हुआ है। हम लोग क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा। हम लोग और सर लोग देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो दो क्लास में पेपर चल रहा था, फिर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में, तो अगर लेट हो रहा है पेपर सबको लेट होना चाहिए ना, ये बात हो रही थी हम लोग से, यहाँ से बात हुई उठी और फोन भी वहाँ यूज हो रहा था, यहाँ से बात स्टार्ट हुई फिर ऐसे हो गया। मैं एग्जाम नहीं हूँ यहाँ पेपर देने पंजाब से आया हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ छुट्टी लेके, हम लोगों ने पेपर देने यहाँ पे आया
सेंटर पे आते ही कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, ना ही तो मोबाइल लिया गया, बोला गया आप बैग कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो मुझे डाउट हुआ। ठीक है, 12:05 लेट था तो हम लोगों ने बोला सर पेपर दे दो, क्योंकि पेपर पे कुछ पहले से भरना फिलअप करना होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है। उन्होंने बोला कि कुछ टेक्निकल एरर है, आप ये बताओ जो पेपर ऑफलाइन हो रहा है उसमें टेक्निकल एरर क्या होता है, कोई कंप्यूटर बेस्ड पेपर है नहीं। तो डाउट क्रिएट हुआ। फिर जब 12:15 हो गई तो सारे बच्चे को लगा कुछ तो गड़बड़ है, हम लोगों ने डिमांड किया पेपर सर दे दो, तो उन लोगों ने एश्योरेंस किया कि आप लोग को आधा घंटा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सिविल सर्विस का पेपर है, इस पेपर को दे के बंदे SDM बनते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर बनते हैं। हम लोगों को डाउट हुआ, हम लोगों ने सारे बच्चों को ले जाके नीचे फ्लोर पे आया, मेरे पास वीडियो है, मैंने लाइव ऑन रिकॉर्ड भी किया। दो रूम पे विथ क्लोज डोर, विंडो भी क्लोज था, हम लोगों ने देखा कि सारे बच्चे भरे पड़े थे, पहले से 12 से पहले से पेपर दे रहे थे, उन लोगों के पास पेपर था विथ प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर कंसर्न्ड ऑफिसर जो यहाँ के हैं। हम लोग के बायकॉट करने पे उन्होंने फिजिकली हम लोग को हरास भी किया, मारपीट की गई, मेरे पास वीडियो भी है, स्लैंग लैंग्वेज यूज किया गया, लैंग्वेज यूज करने का कोई तरीका नहीं था बिल्कुल भी। अगर बच्चे नहीं होते तो मेरे से मारपीट भी कर लेते अगर मैं अकेला रहता तो। घटना हुआ है, इसके लिए दोषी कौन? ये पुलिस प्रशासन की निगरानी में हुआ, उनको पता है, उनको पता नहीं कि 12 से पहले दो रूम में एग्जाम लिया जा रहा है, उनको नहीं पता है, वो पढ़ के नहीं आए हैं, मोबाइल लेके लिख रहे हैं, वो पढ़ के नहीं आए। प्रिंसिपल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल, पूरा सेंटर बिका हुआ है, आप पता लगवाए कितने में बिका सेंटर। ये तो जितने जेन्युइन बच्चे हैं ना जो सिविल सर्विसेज छोड़ के आए हैं, जून में पेपर है PT का, हम लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत बंदे दिल्ली से आए, मेरे कलीग दिल्ली से आए, मैं पंजाब से आया हूँ विदाउट टिकट, क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कहाँ से हैं? मैं BSNL में एज ए JEE काम करता हूँ 5 साल से, पिछले 5 साल से। मेरी दिल तमन्ना थी कि मैं पब्लिक कमीशन के पेपर के थ्रू मैं बिहार आऊँ।